रहाऊ। समस्त ध्यान मगन होने वाले व्यक्तियों ने मिलकर अपनी वृत्ति लगाई। समस्त विद्वानों ने मिलकर तुम्हारा अंत जानने की कोशिश की। शास्त्रवेता, प्राण आयामी, गुरु व गुरुओं के भी गुरु तेरी महिमा का तिनका मात्र भी व्याख्यान नहीं कर सकते। सभी शुभ गुण, सभी तप और सभी शुभ कर्म, सिद्ध पुरुषों, सिद्धि समान महानता, तुम्हारी कृपा के बिना पूर्वोक्त गुणों की जो सिद्धियां हैं वे किसी ने भी प्राप्त नहीं की। यदि परमेश्वर जी की कृपा से ये शुभ गुण प्राप्त हो जाएं, तो फिर किसी के रोके रुक नहीं सकते। यदि कोई कहे कि हे अकाल पुरुष, मैं तुम्हारी महिमा कथन कर सकता हूँ, तो वह बेचारा क्या कह सकता है, क्योंकि हे परमेश्वर जी, तेरी स्तुति के भंडार तो वेदों, ग्रंथों व तेरे भक्तों के हृदय में भरे पड़े हैं, जिनको तुम अपनी स्तुति करने की बुद्धि प्रदान करते हो, उनके साथ किसी का क्या जोर चल सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबको शोभ्यमान करने वाला है। आशा महला पहला, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखण औखा सच्चा नाऊ, साचे नाम की लागे भूख, तित भूखे खाई चलिया दुख, सो क्यों बिसरे मेरी माई, सच्चा साहिब साचे नाई। रहाऊ साचे नाम की तिल बड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल के आखण पह, बड़ा न होवे घाट न जाई, ना ओह मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग, गुण एहो होर नाही कोई, ना को हुआ ना को होई, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खत्म विसा रहते कम जात, नानक नावे बांझ सनात। एक बार माता तृप्ता जी ने नानक देव जी को कहा कि हे पुत्र, तुम प्रभु का सिमरण प्रत्येक पल की बजाय एक समय किया करो। तो आपने इस शब्द का उच्चारण करते हुए कहा कि हे माता जी, जब तक मैं परमेश्वर जी का नाम सिमरण करता हूँ, तब तक ही मैं जीवित रहता हूँ। जब मुझे यह नाम विस्मृत हो जाता है, तो मैं स्वयं को मृत समझता हूँ, अर्थात मैं प्रभु के नाम में ही सुख अनुभव करता हूँ, वरना मैं दुखी होता हूँ। किंतु यह सत्य नाम कथन करना बहुत कठिन है। यदि प्रभु के सत्य नाम की भूख चाहत हो, तो वह चाहत ही समस्त दुखों को नष्ट कर देती है। सो हे माता जी, ऐसा नाम फिर मुझे विस्मृत क्यों हो? वह स्वामी सत्य है और उसका नाम भी सत्य है। रहाऊ परमात्मा जी के सत्य नाम की तिनका मात्र महिमा व्यास आदि मुनि कह कह कर थक गए हैं, किंतु वे उसके महत्व को नहीं जान पाए हैं। यदि सृष्टि के समस्त जीव मिलकर परमेश्वर जी की स्तुति करने लगे, तो वह स्तुति करने से ना बड़ा होता है और ना ही निंदा करने से घटता है। वह निरंकार ना तो कभी मरता है और ना ही उसे कभी शोक होता है। वह संसार के जीवों को खान पान देता रहता है, जो कि उसके भंडार में कभी भी समाप्त नहीं होता। दानेश्वर परमात्मा जैसा गुण सिर्फ उसी में ही है, अन्य किसी में नहीं। ऐसे परमेश्वर जैसा ना पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। जितना महान परमात्मा जी स्वयं है, उतनी ही महान उसकी बख्शिश है, जिसने दिन बनाकर फिर रात की रचना की है। यदि रात ना होती, तो जीव संसारिक धंधों में लिप्त ही मर जाते, इसलिए रात भी अनिवार्य थी।
ऐसे परमेश्वर जी को जो विस्मृत कर दे वह नीच है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा जी के नाम सिमरण के बिना मनुष्य संकीर्ण जाति का होता है। आसा महला पहला जेदर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावे धीरक भावे धके एक बड़ाई दे जान है जोत ना पूछे है जाति आगे जात ना है रहाऊ आप कराए आप करे आप उलम है चित धरे जातु करण हार करतार किया मोहताजी किया संसार आप उपाय आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद बसे मन आई दुख हनेरा विच है जाई साच प्यारा आप करे अम्बरी कौ साच न दे जे किसे दे वखाने नानक आगे पूछ न ले। यदि कोई भिखारी प्रभु के द्वार पर पुकार करे तो महल का मालिक प्रभु उसकी पुकार को सुन लेता है। हे प्रभु अपने भिखारी को एक सम्मान प्रदान कर अथवा आदर धैर्य दे अथवा धक्के मार दे सब जीवों में प्रभु ज्योति ही समाई हुई समझो और किसी को जाति वर्ण बारे मत पूछो क्योंकि परलोक में कोई जाति नहीं है। रहाऊ ईश्वर स्वयं ही सब कुछ करता है और स्वयं ही जीवों से करवाता है। वह स्वयं ही भक्तों की शिकायत की ओर ध्यान देता है। हे करतार जब तुम ही करने वाले हो तो मैं संसार का मोहताज क्यों बनूं और किसके लिए हूं? हे प्रभु तुमने स्वयं जीवों को पैदा किया है और स्वयं ही सब कुछ देते हो। हे ठाकुर तुम स्वयं ही दुर्मति को रोकते हो। जब गुरु के प्रसाद से प्रभु आकर मनुष्य के हृदय में बसेरा कर लेता है तो उसका दुख एवं अंधेरा भीतर से दौड़ जाते हैं। वह स्वयं ही भीतर सत्य के लिए प्रेम उत्पन्न करता है। दूसरों स्वेच्छाचारी को वह सत्य प्रदान नहीं करता। हे नानक यदि वह किसी को सत्य प्रदान करता है तो उससे बाद में कर्मों का हिसाब किताब नहीं मांगता। आशा महला पहला ताल मदिरे घट के घाट दोलक दुनिया बाजह बाज नारद नाचे काल का भाव जति सती कह राखह पाऊ नानक नाम विटह कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ गुर पासह फिर चेला खाई ताम प्रीत बसे घर आई जैसौ बरहिया जीवन खान खसम पछाणे सो दिन परवान दर्शन देखिए दया न होई ले दित्ते बिन रहे न कोई राजा न्याऊ करे हाथ होए कहे खुदाई ना माने कोई मानस मूरत नानक नाम करणी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किछ दरगह पावे मान मन के संकल्प ताल एवं घुंघरुओं की भांति है और उनसे दुनिया का मोह रूपी ढोल एक रस बज रहा है। कलयुग के प्रभाव से मन रूपी नारद नृत्य कर रहे हैं। फिर ब्रह्मचारी एवं सत्यवादी मनुष्य अपने पैर कहाँ रखे। हे नानक मैं प्रभु के नाम पर कुर्बान जाता हूँ। यह दुनिया मोहमाया में फंसने के कारण अंधी ज्ञानहीन बनी हुई है परंतु प्रभु सब कुछ जानने वाला है। रहाऊ देखो कैसी विपरीत रीति चल पड़ी है कि चेला ही गुरु से खाता है। वह रोटी खाने के लोभ में गुरु के घर आकर रहता है अर्थात उसका चेला बन जाता है। यदि मनुष्य सैकड़ों वर्ष जीवन रहने तक भी खाता रहे तो केवल वही दिन प्रभु के दरबार में स्वीकृत होगा जब वह प्रभु को पहचानता है।
निवेदन करने वाले मनुष्य के चेहरे को देखकर रिश्वतखोर हकीम को उस पर दया नहीं आती।